आज करूंगी बम्पर हार्वेस्टिंग और साथ में दिखाऊंगी कि क्या क्या है गार्डन में और ग्रोथ कैसी हो रही है। तो सबसे पहले इसे हटाती हूँ और ये है कद्दू। और मन तो कर रहा था मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँ, लेकिन अभी इसका साइज़ बहुत बढ़ेगा। पूरी बेल को इसने नीचे तक कर लिया था और ये देख लो भाई, अभी काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाएगा इसका, इसलिए मैं इसको आज नहीं कर रही हूँ। काफ़ी कच्चा है ये, तो दिखाऊंगी जब आपको हार्वेस्टिंग करूंगी इसकी। और बाकी दो की भी दिखा देती हूँ पोजीशन। तो बढ़ ये भी रहे हैं, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बढ़ रहे, एक ही बेल है। तो तीन गिया को सरवाइव करना और वो भी पॉट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए अगर एक आध को मैं हार्वेस्ट कर लूँ ना तो दूसरे की ग्रोथ बढ़ जाती है, पर ऐसा नहीं कर सकती। काफ़ी कच्चा है घी, ये पेठा जो है, सॉरी शायद मैं घिया बोल गई, पेठा जो है थोड़ा सा मैच्योर ही अच्छा लगता है। और एक ये भी देख लें, है ना, तो ये भी बढ़ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खाद ज़्यादा दे दें इनको तो ये ग्रोथ ले लेंगे, क्योंकि मिट्टी में अगर ज़्यादा खाद ज़रा सा भी चला जाता ना तो पीले पत्ते करने लग जाती है बेल एकदम से, ज़्यादा खाना जैसे हम इंसानों को होता है ना, पेट ख़राब हो जाता है, तो इनके साथ भी यही कुछ है। तो तरीके से ही दे सकते हैं। हार्वेस्टिंग की शुरुआत करती हूँ भिंडी से, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे भिंडियाँ ही लगी रहती हैं सामने मेरे, और है ना, ये भी पेस्टिसाइड दो दिन हो गए छिड़का नहीं, तो दोबारा से छिड़कना पड़ेगा। इन दिनों में पेस्टिसाइड ना बहुत जल्दी जल्दी हफ्ते में दो बार छिड़क देना चाहिए। तो देखो अब आ गई हूँ मैं यहाँ, और घिया का साइज़ देख लो कितना बड़ा हो गया है, इससे ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं करना, ये इतना ही बहुत है। तो इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी बस। अब कैंची से इसको मैं काटूँगी बिल्कुल ऊपर से, ये जो नाकू है ये भी नहीं बचना चाहिए, लेकिन कैमरा मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरा घिया जो है टूट गया था पिछली बार, तो मैं ले रही हूँ अब बेटे की सहायता। अकेले से जो है ना घिया जैसी चीज़ें नहीं कटती हैं, और मेरी जो कैंची थी वो काम नहीं कर रही थी, तो अब दूसरा कटर लिया है, कटर भी रखा रखा थोड़ा सा जंग खाने लगा है, तो बस। और अब ये इसे भी हटा दूं, ये सबसे पुराना है। और क्या है कि इसके साथ दूसरे थे जो कि ग्रोथ ले ली, तो इसने इतनी ग्रोथ लिया, इसे भी कर लेते हैं। और अब है इसकी बारी, इसका भी साइज़ आप देख सकते हो, इसका साइज़ और भी सबसे भी बड़ा है, और शेप देखो कितनी अच्छी है, तो बेहद सुंदर। पूरी बेल को नीचे लटका लेता है ये देखो। तो मैं कह ही रही थी कि आज बम्पर हार्वेस्टिंग होने वाली है, तो तीन तो मैं घिया ही हार्वेस्ट करूँगी। जी देखो कितना बड़ा साइज़ है। तो ये है तीन घिया आज के, और अभी बाकी है हार्वेस्टिंग। भिंडियाँ मैं रोज ही तोड़ रही हूँ। और अब ये यहाँ से भी, और एक ये, ये पुराना पेड़ है लेकिन बहुत अच्छी भिंडियाँ दे रहा है, यहाँ भी। और ये करेला, और आज स्पेशली जो मेरी हार्वेस्टिंग थी वो थी घिया की, बीच बीच में करेले और भिंडियाँ भी हैं, तो बहुत कुछ मिल जाता है गार्डन से। और आप थोड़ा सा देख लें ओवरव्यू, मैक्सिकन पतूनिया का साइज़ देखें कितना खूबसूरत है और कितना सुंदर है, बड़े से पॉट में लगा है क्योंकि मैंने कटिंग लगाई थी और ये कटिंग इतनी बड़ी हो गई है, बहुत सुंदर और बड़े फ्लावर दे रही हैं। और ये एक तोरी है नीचे पकड़ के, हाँ इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं आज। तोरी जो है एक ही बेल है मेरे पास, और ये पहली तोरी हार्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत लेट मैंने लगाया था इसको बेल को, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, ऊंचाई है ना थोड़ी सी, इसलिए भी। और अब
और अब ये कचरियाँ हैं बची हुई, तो इनको भी मैं हार्वेस्ट कर लूँ। ये सभी पक्की हैं, मीठी हैं और इनका इस्तेमाल चटनी में या फिर भिंडी में डाल के कल मैंने डाली थी। देखो काफ़ी सारी हो रही हैं, बेल को हटा दूँगी। नीचे तक चली गई थी बेल, तो देखो तोरी भी है। दूर दूर तक फैली हुई है बेल जो है, और निकालनी पड़ रही है खींच खींच के, तो दिख रही है कितनी कचरियाँ लगी है। अभी देखो किस तरह से सारी बेलें इधर उधर लटकी पड़ी हैं, और जल्दी ही शकरकंदी की करूँगी बारी। और मेरी हल्दी को देख लो कितनी खूबसूरत है, बाकी भी पॉट। और अब सीज़न आ गया है दूसरे प्लांट्स को लगाने का, कुछ मैंने उगा दी है पौधे वगैरह और कुछ और, और थोड़ा सा और भी दिखाना चाहूँगी। एकदम से बेलें जो है वो बस कीड़ों के अटैक और चिपचिपे का अटैक हो गया है, तो पेस्टिसाइड छिड़कने से भी फिर इनमें पीले पत्ते हो जाते हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। बारिश ख़त्म होते ही बेलों में बहुत सारी पीले पीले पत्ते होने लगी हैं, और कुछ शूट्स भी डेड हो गई हैं। तो बारिश जब हो रही थी तो बहुत एनर्जी मिलती थी, न्यूट्रिशन युक्त पानी था बारिश का, और बहुत एनर्जी मिलती थी, तो बहुत ग्रोथ हो रही थी इनकी। और जैसे ही बारिश कम हुई है ना, तो ताकत उतनी नहीं है बेल में, और पत्तों को पीला कर रही है, गिरा रही है, शूट्स जो है वो डेड हो रही है। तो इन सभी शूट्स को हटा दें और अपनी जो प्लांट्स हैं उनको कुछ न्यूट्रिशन भी दें, यानी कि फर्टिलाइज़र दें, चाहे लिक्विड दें या कोई भी दें। और देखो कितने फ्लावर खिले, इस टाइम तक ही मुरझाने लग जाते हैं ये थोड़े से, है ना, दुनिया भर के खिले हैं। वैसे कई दिन से पीले पत्तों को काट रही हूँ और साथ ही काट रही हूँ डेड शूट्स, ये शूट्स जो कि आगे नहीं बढ़ेंगी, और इनको सर्वाइव करने में फिर बेल को ज़्यादा ही टाइम लगाना पड़ता है, बीमार हो जाती है एक तरह से शरीर का जो अंग। तो मैंने बहुत सारी डेड शूट, देखो ये डेड शूट बाद में ना सूख ही जाती है, ये काफ़ी ऊंचाई पे है तो मुझसे नहीं हो रहा ज़्यादा, पर मैं कोशिश करती हूँ इनको काटने की। कल भी बहुत सारी काटी थी, आप भी काटें, वेट और एनर्जी सेव होगी और नई शूट्स बना लेती है बेल, फिर ज़रूरत नहीं पड़ती उसको ये पुरानी शूट्स को, कोशिश करती है। और नहीं, अगर ये रिवाइव होती तो फिर इनको सूख ही जाती हैं, तो ऊपर जाके भी मुझे काटनी पड़ेगी। अभी काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी सारी मैंने कल काटी थी, ये देखो अंदर भी पड़ी हुई हैं। सभी प्लांट्स की हैं ये, एक की नहीं है, यहाँ तो आप देखो भरी पड़ी है। तो सिर्फ घिया की नहीं, तोरी, घिया, करेले सभी में डेड शूट हैं, और आप इनको हटाएं। और एक्स्ट्रा जो प्लांट हैं जो बारिश में बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले रखी थी जिन्होंने, उन सबको भी आप अब हल्का कर दें। देखो कितनी सारी फलियां बनी हुई हैं, फलियां इतनी फ्लावरिंग इसने दी है मुझे, और इसकी फलियां अगर मैं दिखा दूं तो एक ही प्लांट की दिखा रही हूं अभी आपको। ये देखो भाई, एक प्लांट से तोड़ी है मैंने ये फलियां इतनी, तो फिर कैसे ये देगा, ये देखो कितनी फलियां हैं, कैसे ये और फ्लावरिंग देगा। इनको बीज बनाने में लग जाते हैं प्लांट्स, और फिर अभी तो और भी हैं कितनी सारी, ये देखो। तो पूरा ध्यान दें हम प्लांट्स पे एक बार फिर से, क्योंकि इनको जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन बारिश से मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा, तो आप लोग अब इन पे ध्यान रखें। तो इसी के साथ कुछ जानकारी मैंने देने की कोशिश की है, और ये देखो भाई फलियां देखो आप, तो बहुत ही हेल्दी प्लांट था मेरा ये, और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर दे रहा था, बीच बीच में मैंने सभी वीडियोज़ में दिखाए हैं आपको। तो अब मैं धीरे धीरे नई ग्रोथ और हर चीज़ों पर ध्यान दूँगी। और ये देखो अभी तो अनलिमिटेड जाने कितनी इन पे लगी हैं। तो आज के वीडियो में कुछ जानकारी देने की कोशिश की, तो थैंक यू सो मच, आप बने रहे इसी तरह से, और जो जो मैं कह रही हूँ मैं खुद भी कर रही हूँ, और आप लोग भी इस तरह से करें तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आगे में देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, सपोर्ट के लिए धन्यवाद आप सबका। तो देखो भाई ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग, और
बिल्कुल मज़ा आ गया। ये पुराना था बस, ये दोनों तो एक ही से मिले हैं, एक बेल से, एक से ये मिला है, और फिर से रिवाइव करना पड़ेगा सभी बेलों को खाद पानी दे के, तब वो दोबारा से अच्छे से हार्वेस्टिंग देंगी। थैंक यू।